मेरा नाम है सुधांशु शेखर नाग। मैं आपको लिमिट के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। लिमिट के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। आज हम पढ़ेंगे क्या? लिमिट। लिमिट पढ़ने वाले हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक फंक्शन है, f(x) दिया हुआ है, x2+1 दिया हुआ है। तो अगर हम इसका वैल्यू f(0) में निकालेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 0 का स्क्वायर प्लस 1। 0 का स्क्वायर कितना होता है? 0 + 1 होता है। फिर 0 + 1 ये हो जाता है 1। फिर f(0) निकल गया। वैसे भी अगर हम f(1) निकालेंगे तो क्या होगा? 1 का स्क्वायर होगा प्लस 1। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 + 1 होता है 2। नाउ अभी देखिए f(-1) निकालेंगे तो क्या होगा? इसका -1 का स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे जो x है, x के हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। यहाँ पे जो f(x) है, x2+1 दिया हुआ है, तो वहाँ पे जो x के जगह पे ही -1 लिखेंगे। कुछ लोग गलती से इसे कुछ और लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? सिर्फ x के जगह पे ही -1 हुआ। यहाँ पे बाकी तो जैसा ही है वैसा ही रहेगा। तो वहाँ -1 का स्क्वायर कितना होता है? ये 1 होता है +1। -1 का अगर कोई भी नेगेटिव नंबर का पावर अगर इवन होता है तो उसका जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगा वो क्या होगा? ऑलवेज इवन होगा। अगर रिजल्ट कोई भी नेगेटिव नंबर का पावर ऑड है तो वहां क्या होगा? उसका रिजल्टेंट वैल्यू वो नेगेटिव में होता है। तो यहां पे -1 का पावर 2 है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? ये +1 हो जाएगा और ये भी +1 हो गया। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? ये हो गया 2। ये आप समझ में आ गया आपको? यहां पे पहले देखिए, फिर f(x) हमने क्या लिया है? x2+1 लिया है। f(0) क्या होगा? 0 का स्क्वायर प्लस 1। तो 0 + 1 = 0 + 1 1 हो गया। फिर यहाँ देखिए f(1) 1² + 1, तो 1 + 1 कितना हो गया? 2। तो f(-1) लिया है हम, तो x से जाए -1 पुट करेंगे, तो -1 का स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे हो गया 1 + 1 + 2। अभी हमने f(x) 1 ले लिया है। फॉर एग्जाम्पल कोई और एक फंक्शन लेते हैं, देखते हैं। हम ले लिया अभी f(x) = x³ + 2x² - 7। हमने f(x) क्या लिया है? यहाँ पे एक और एक नंबर है f(x) लिया हमने x³ + 2x - 7। अगर यहाँ पे ऐसे लिए हैं, यहाँ पे f(0) का वैल्यू निकालते हैं। f(0) का क्या होगा? 0³ + 2 × 0 - 7। 0 का पावर कुछ भी होने से ये 0 ही होता है। 0 में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो वो भी 0 होगा, -7। तो 0 + 0 - 7, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा -7 बन जाएगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट होगा क्या? f(2) निकालते हैं। यहाँ पे 2 का क्यूब हो जाएगा +2 × 2 - 7। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 2 × 2 होता है 4 - 7। तो 8 + 4 - 7 दिया होगा, तो यहाँ पे 8 + 4 हो गया कितना? 12 - 7। 12 - 7, तो 12 - 7 का वैल्यू कितना हो जाता है? 5। यहाँ पे देखिए, फिर से यहाँ पे दिखा दो, ये f(x) दिया है, ये जो f(x) है, f(x) और क्या हुआ? x³ + 2x - 1 है, 2x - 7 है यहाँ पे। तो f(0) का वैल्यू हमने पहले निकाल लिया, फिर f(2) का वैल्यू निकाले हैं। अभी हम कोई और एक का निकालते हैं, f(-3) का निकालते हैं यहाँ पे। f(-3) में क्या हो जाएगा? -3 का पावर 3। फिर होगा क्या? -3 का पावर 3, क्योंकि यहाँ पे x में वैल्यू डाले, तो x में क्या डाल दिया? यहाँ पे -3 डाले हैं, x में -3 डाले हैं, तो -3 का क्यूब + 2 × -3 -0 कितना हो गया? -3 का क्यूब क्या होगा? ये होगा हमारा -27। यहाँ पे ये -6, यहाँ पे होगा -7, तो होगा तो -27 - 6 - 7, तो ये कितना हो जाएगा? ये होगा हमारा -27 + -6 - 7, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 6 और 7 होता है 13 और 27 क्वार्टर से ये हो जाएगा हमारा -40। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, कहीं पर कुछ डाउट है तो देखिए।
फिर से दोहरा रहा हूँ, यहाँ पे एफ ऑफ माइनस थ्री क्या होगा, माइनस थ्री का क्यूब हो गया, फिर टू इंटू माइनस थ्री हो गया, फिर माइनस सेवन हो गया, तो माइनस थ्री का क्यूब हो जाता है माइनस ट्वेंटी सेवन, फिर हो गया यहाँ पे माइनस सेवन, फिर माइनस सेवन, तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा माइनस फोर्टी, ये हो गया आपको, ठीक है। तो फिर अभी हम क्या करते हैं, लिमिट ये हो गया हमारा डायरेक्ट वैल्यू निकालने में, एग्जैक्ट जो वैल्यू होता है, लेकिन फॉर एग्जांपल हम एक दरवाजा है, ठीक है, ये क्या है, दरवाजा है, दरवाजा के पास पहुंचे हो तुम, ये जो दरवाजा है, दरवाजे के पास पहुंचे, लेकिन अंदर क्या हो गया, अंदर नहीं गया है, तो अंदर जो बाहर जो है, दरवाजा जस्ट पास है, और बाहर वाला से कोई अंदर से है, वो बाहर आने को कोशिश कर रहा है, लेकिन वो बाहर नहीं आया, लेकिन अंदर थोड़ा सा अंदर है, लेकिन वो बाहर नहीं आया, तो ये बाहर जो है, ये बाहर से अंदर जा रहा है, तो ये जो पॉइंट है हमारा क्या है, ये हमारा एग्जैक्ट पॉइंट है, ये थोड़ा उसके नजदीक है, वैसे ही हमारे लिमिट में भी क्या होता है, टेंस टू होता है, हमारे लिमिट सोच लो हम यहाँ पे x टेंस टू वन कर रहे हैं, ये टेंस टू वन का मतलब होता है वन के आसपास, ये जो है वन के आसपास है, ठीक है, ये लेफ्ट साइड से भी हो सकता है या फिर राइट साइड से भी हो सकता है, अगर लेफ्ट साइड में होगा तो ये क्या होगा, वन माइनस एच होगा, और राइट साइड से देखेंगे तो ये क्या होगा, ये होगा वन प्लस एच हो गया, तो वन माइनस मतलब ये है वन से थोड़ा सा ही छोटा है, ये हमारा हो जाएगा, ये है वन माइनस एच हो गया, ये हो गया वन माइनस एच, और ये हो गया क्या, वन प्लस एच, वाचन से दिख रहा है वन प्लस एच हो गया, ये तो वन से थोड़ा सा बड़ा है, बहुत ज्यादा भी बड़ा नहीं होता है, एच मतलब बहुत ही छोटा सा वैल्यू होता है, एच का बहुत ही स्मॉल अमाउंट होता है, एच बहुत ही छोटा होता है, ठीक है, तो ये हुआ वन माइनस एच हो गया, ये हो गया वन प्लस एच, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एल एच एल, इसको बोलते हैं आर एच एल, एल एच एल मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट होता है, और वो होता है राइट हैंड लिमिट, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं अभी, लेकिन थोड़ा हम ये देखिए लिमिट x टेंड्स टू 1 दिया है, अगर लिमिट x टेंड्स टू 1 और कोई एक फंक्शन दिया है यहाँ पे, जो अभी थोड़ी देर पहले जो लिए थे उसे ही ले लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 1 ले लेते हैं, अगर यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1 दिया है तो x के 1 के आसपास वाला वैल्यू है, ये एग्जैक्टली 1 का नहीं है, हमने थोड़ी देर पहले एग्जैक्टली 1 का निकाला था, तो ये 1 का है, तो इस यहाँ पे ये वहाँ पे जैसे हम करते थे यहाँ पर भी वैसे ही होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, ये भी वैसे ही हो जाएगा, ठीक है, तो लिमिट और एक दो ये हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 दिया है, देखते हैं यहाँ पे भी x स्क्वायर प्लस 1 ले लेते हैं, ये क्या होगा 0 का स्क्वायर प्लस 1, 0 का स्क्वायर क्या होता है 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, ये भी वैसे ही बन गया, ये समझ में आ गया आपको, फिर से देख लीजिए यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1 दिया है, x स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया 1 प्लस 1 होके 2 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0, x स्क्वायर प्लस 1, 0 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो गया 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, ये आपको समझ में आ गया, अभी कोई दूसरा नंबर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू माइनस 1 लेते हैं, x पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 20, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लग रही है हमने, लिमिट x टेंड्स टू क्या लिया है यहाँ पे, x पावर 4 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 20, तो यहाँ पे जैसे ये ले लिए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे x पावर 4 दिया है, तो क्या होगा माइनस 1 का पावर 4, माइनस 1 का पावर 4 हो गया, फिर प्लस 2 इंटू माइनस 1 का पावर 3, माइनस 3 इंटू माइनस 1 का पावर 2, प्लस 5 इंटू माइनस 1 प्लस 20, तो माइनस 1 का पावर 4 दिया, तो नेगेटिव का पावर क्या है, इवन है, नेगेटिव के पावर इवन है, तो ये पॉजिटिव ही आएगा, तो ये होगा हमारा 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस 2 इंटू, यहाँ पे नेगेटिव का पावर क्या है, ऑड नंबर है, नेगेटिव पावर ऑड है, तो यहाँ क्या हो जाए 2 इंटू माइनस 1, माइनस 3 इंटू ये होगा हमारा 1 हो गया, और ये क्या हो गया प्लस 5 इंटू माइनस 1 प्लस 20, तो ये हो गया कितना 1, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, 3 इंटू
माइनस थ्री इंटू वन माइनस थ्री माइनस फाइव प्लस 20। तो हम पहले क्या करेंगे, जब भी ऐसा निकलेगा तो हम जितना पॉजिटिव नंबर है उसको एक साथ लिख लेंगे और नेगेटिव को एक साथ लिख लेंगे। तो 1 प्लस 20 एक साथ हो गया, फिर माइनस 2 माइनस 3 और माइनस 5 इसको एक साथ हमने लिख लेंगे। तो 1 प्लस 20 ये 1 प्लस 20 है, यहाँ पे एंड साइड से माइनस कॉमन ले लेंगे। तो 1 प्लस 20 कितना हो जाएगा, ये होता है 21 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 ये होता है माइनस 10। माइनस 10 हो गया यहाँ पे, देखिए माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 हो गया और माइनस 5 माइनस 5 माइनस 10 हो गया। तो ये कितना बचेगा, ये बन गया हमारा 11। यहाँ पे 11 बन गया। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखिए, फिर से बता रहा हूँ, लिमिट x टेंस टू माइनस 1 दिया हुआ है, x पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 20, तो माइनस 1 पावर 4 हो गया, 2 इंटू माइनस 1 का पावर 3 हो गया, माइनस 3 इंटू 1 का पावर 2 प्लस 5 इंटू माइनस 1 फिर 2 20 2 0 हो गया वहाँ पे। तो माइनस 1 पावर 4 1 माइनस 1 का पावर 3 है तो माइनस 1 फिर माइनस 1 पावर 2 है तो ये 1 यहाँ पे माइनस 1 दिया है। तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 हो गया, ये माइनस 2 बन गया, यहाँ पे ये माइनस 3 बन गया, ये माइनस 5 और ये क्या बन गया 20। तो 1 प्लस 20 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 इसको हमने क्या किया है, अरेंज करते हैं, मतलब ये जो है मतलब पॉजिटिव नंबर है तो इसको पास पास लिख लिए, ठीक है पास पास लिख लिए। फिर यहाँ पे क्या हो गया, नेक्स्ट ये तीनों नेगेटिव नंबर है जो नेगेटिव नंबर है इसको फिर ऐसे पास पास लिख लिए हैं। तो पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर को हमने क्या किया है फिर पास पास लिख लिए हैं। तो 1 प्लस 20 हो गया 21 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 ये हो गया माइनस 10 और ये बन गया 11। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे ये हो गया, फिर और एक देखते हैं। और ये देखिए यहाँ पे लेते हैं लिमिट x टेंस टू क्या लेते हैं, यहाँ पे 3 लेते हैं और कौन से लेते हैं x पावर 5 प्लस 6x पावर 4 बाय 2x। ऐसे दिया है क्वेश्चन, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे x से यहाँ पे क्या कितना भी पुट करेंगे 3 भी पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा 3 का पावर 5 हो गया प्लस 6 इंटू एक्स पावर 4 हो गया बाय x, मतलब आप क्या लेंगे 3 लेंगे यहाँ पे, यहाँ पे 2 इंटू 3 लेंगे। तो यहाँ पे 3 का पावर 5 दिया है, 3 का पावर 5 मतलब क्या होगा, 3 का पावर 5 मतलब ये होगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 जैसे ये होगा 9 होगा 9 हो गया 9 9 और ये कितना होगा 3 हो गया 9 9 6 ये इतना बन गया। तो क्या होगा 243 माइनस 686 ये बन जाता कितना 243। लेकिन यहाँ पे बड़ा नंबर के अगर नेगेटिव है तो साइन क्या होगा यहाँ पे नेगेटिव होगा बाय 6 होगा यहाँ पे। तो देखो इसको हम इसको भी 3 से काट सकते हैं, इसको 3 से काट सकते हैं और इसको 3 से काटने से ये बन जाएगा 2 और इसको 3 से काट देंगे तो ये बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा 81। तो ये क्या होगा माइनस 81 बाय 2 बन गया माइनस 81/2। तो यहाँ पे जो पावर्स है कितना पावर्स दिया है इसको आप ध्यान से देखिएगा और ध्यान से देखने के बाद इसको सॉल्व कीजिएगा। और नेगेटिव यहाँ पे ज्यादातर बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, ठीक है यहाँ पे जो लिखा है जैसे मैं यहाँ पे नेगेटिव होगा नेगेटिव सिंबल नहीं देते हैं, यहाँ पे क्या होगा आपको नेगेटिव सिंबल देना पड़ेगा, ठीक है। और ये देखिए अभी यहाँ पे हम लेते हैं लिमिट x टेंस टू 1 लेते हैं x पावर 7 माइनस 2x क्यूब बाय 5
क्या बन जाएगा, 1 का पावर 7 माइनस 2 इनटू 1 का पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 इनटू 1 का पावर 5, 1 का पावर 7, 1 का पावर 7 मतलब क्या होगा, ये 1 माइनस 2 इनटू 1 डिवाइडेड बाय 5 इनटू 1, तो ये बन गया क्या, 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5, दैट मींस ये हो गया कितना, माइनस 1 बाय 5। ये देखिए हमने x माइनस 2 1 लिया है, x पावर 7 माइनस 2x क्यूब बाय 5x स्क्वायर, तो ये 1 का पावर 7, 1 का पावर 7 हो गया, माइनस 2 इनटू 1 पावर 3, 5 इनटू 1 का पावर 5, तो 1 माइनस 2 इनटू 1, 5 इनटू 1, ये समझ में आ गया आपको, ऐसे देख लीजिए अच्छे से, फिर से इसको देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू माइनस 1 4 x स्क्वायर प्लस 7 x क्यूब डिवाइडेड बाय 9 x पावर 4। अभी इतना लिया है तो यहाँ पे x में कितना डालेंगे, अभी माइनस 1, ठीक है, तो 4 इनटू माइनस 1 का पावर 2 प्लस 7 इनटू माइनस 1 का पावर 3 डिवाइडेड बाय 9 इनटू माइनस 1 का पावर 4, ये हो गया आपको। तो यहाँ पे माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 इनटू 1 माइनस माइनस 1 का पावर 3 है, तो ये क्या होगा, माइनस 1 बन जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, माइनस 1 का पावर 4 है, तो 9 इनटू 1 हो गया, तो 4 माइनस 7 बाय 9, तो ये क्या होगा, 4 माइनस 7, 4 माइनस 7 दिया है, तो यहाँ क्या है, नेगेटिव, बड़े नंबर का ये नेगेटिव है, तो यह होगा माइनस 3 बाय 9, माइनस 3 बाय 9 कितना हो जाता है, माइनस 1 बाय 3, ठीक है। आज के लिए हम इतना पढ़ते हैं, अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताइएगा, अगर आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी भेजिए, जो आपको जिसको आप चाहते हैं जो जिसको लिमिट का पता चले उनको भी भेजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।